किसी भी चीज़ को नेगेटिव ढंग से वो नहीं देखते थे गेस्ट इज़ एन अमेरिकन राइटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन वो एक अमेरिकन राइटर थे वो न्यूज़पेपर्स में लिखते थे मैगजीन्स में लिखते थे दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम इस पोएम से हमको इंस्पिरेशन मिलती है कि हमको किस तरीके से दुनिया में चलना है इन दिस पोएम द स्पीकर इज़ आस्किंग द रीडर वेयर दे हैव डन एनी थिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ एन अदर ह्यूमन बींग और नॉट इस पोएम में हमारे जो पोएट हैं जो हमारे स्पीकर हैं वो हम लोगों से रीडर्स से जो उस पोएम को पढ़ रहे हैं उनसे वो पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपने पूरे दिन में या अपनी पूरी लाइफ में किसी और इंसान के लिए कुछ किया है कुछ मदद की है उसकी इट इज़ अप टू यू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट ये तुम्हारे पे है कि तुमको अपना भविष्य कैसे चाहिए देर फोर वन शुड कंसिडर वंस एक्शन एंड डीड्स केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर फ्यूचर इसके लिए हर एक इंसान को जो भी वो काम कर रहे हैं जो भी एक्शन कर रहे हैं डीड यानी जो भी वो किसी के लिए कर रहे हैं डीड्स यानी डेली जो वर्क होते हैं हमारे जो कर्तव्य होता है हमारा जो वर्क होता है वो हम अच्छे से करें अच्छे से प्लान करके करें जिससे कि हमको फ्यूचर भी हमारा अच्छा मिले आप ये जो हमने पोएम के बारे में बताया है उस चीज़ को समझाने के लिए कि कैसे हम जो आज कर रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर बनता है इस चीज़ को बताने के लिए पहले कुछ समझना है हैव यू अर्न योर टमोरो यहाँ पे जो पोएट की सोच है वो ये है कि आज जो हम कर काम करते हैं उसी का नतीजा हम आगे भोगते हैं आगे हमारे भविष्य में हमको मिलता है जिस तरीके से अगर हम आज जो बीज है वो आम का बोएंगे तो कल आम का फल मिलेगा पर अगर हम बीज ही कांटे का बोएंगे तो हमको कांटे ही मिलेंगे हैव यू अर्न योर टमोरो का मतलब है कि आज जो हम काम करेंगे अगर हम किसी का आज भला करेंगे तो कल हमारे साथ भला होगा आज अगर हम किसी व्यक्ति के चेहरे पे खुशी लाएंगे तो हमको भी आगे खुशी ही मिलेगी अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका नतीजा आज न कल हमको बुरा ही मिलता है इस चीज़ को इस बात को ये जो है ये शायद पोएट के एक्सपीरियंस पे है उनके ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा है या हमारे जो पुराण चीज़ें जो हमारे भगवान से स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उनमें भी यही मैंशनड है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे जिस तरीके की हम जिंदगी बिताएंगे उसी तरीके का फल हम पाएंगे तो इस लाइन का मतलब है, हैव यू क्या तुमने अर्न किया है तुम्हारा आने वाला भविष्य हम अपने आने वाले भविष्य को आज कैसे कमा सकते हैं टमोरो यानी हमारा फ्यूचर कल हमारा जो फ्यूचर है हम उसको आगे कैसे कमाएंगे? क्या हमने अपने काम इस तरीके से किए हैं कि जो हमारा भविष्य है वो अच्छा हो क्या हमको अपने ज़िंदगी में ही आगे खुशियाँ मिले क्या इसके लिए हमने आज किसी का भला किया है इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं तो ये जो पोएम है, वो टोटली totally जो उसमें फिगर ऑफ स्पीच है वो इंटरोगेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है इंटरोगेशन का मतलब होता है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहाँ हमारी पहली लाइन है इज एनीबडी हैपियर बिकॉज यू पासड हिज वे इस लाइन का मतलब है कि जिस रास्ते से तुम गुजरे हो वहाँ पे क्या कोई खुश है ये तो वर्डली मीनिंग हुआ पर असल में इसका मतलब ये है कि जिस काम और जो काम हम कर रहे हैं वो है लाइफ से क्रॉस होने का टाइम यानी हमने उस रास्ते को क्रॉस किया है तो उस रास्ते पे कोई दुखी है कोई ज़रूरतमंद है या किसी को कोई तकलीफ है तो हमने उसकी तकलीफ़ दूर करके क्या उसे कोई खुशी पहुंचाई है क्या हमने अपने कामों से किसी को खुशी दी है यानी इस एनीबडी हैप्पियर क्या हमने किसी को खुशी दी है वहाँ से क्रॉस होते हुए यानी हमने अपने जिंदगी जो के जो काम हैं वो तो कोई रोक नहीं सकता जिंदगी के काम तो सभी को करने ही पड़ते हैं पर उन कामों के करते हुए जो इंसान हमारे साथ आए हैं क्या हमने उनको कोई खुशी दी है ड एनी वन रिम्बर दैट यू स्पोक टू हिम टूडे अगर हम किसी से बुरी बात करें किसी को हम तंग करें परेशान करें तो हमको कोई खुशी से याद करना नहीं चाहता है अगर हम सारे दिन में किसी का भला नहीं कर सकते पर कम से कम हम किसी से बात करें तो अपने अच्छे अक्षरों में करें उसकी इस तरीके से करें कम से कम उसे दुख ना पहुँचे तो क्या हमको कोई याद कर रहा है या क्या तुमको कोई याद कर रहा है कि आज तुमने उससे इतनी अच्छी बात की इतना अच्छे से तुम बोले कि वो अपना दिन ख़त्म करने पे तुम्हें याद कर रहा है डज एनी वन क्या तुम्हें कोई याद कर रहा है दैट यू स्पोक टू हिम टुडे तुमने उसको अपनी बातों से इतनी खुशी दी है कि वो तुम्हें याद करे क्या ऐसा काम तुमने किया है दिस day is ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स ट्वाइलिंग टाइम इस थ्रू आज का दिन पूरा ख़त्म हो गया एंड टॉयलिंग टाइम का मतलब होता है कि जो दिन भर हम फिज़िकल हार्डवर्क करते हैं वो काम करने का जो वक्त है वो बीत चुका है इसका कहने का मतलब है जब हम पूरा एक दिन बिता दें तो हमारा काम होता है कि हम ये सोचें कि पूरा दिन हम हार्डवर्क मेहनत करके बिता दिया और पूरी तरीके से पूरा दिन बीत चुका है तो हम सोच कर देखें कि क्या हमने उस दिन में उस हार्ड वर्क में किसी को खुशी पहुंचाई है किसी से मीठी बातें की है या दूसरों को सिर्फ तकलीफ देने में ही हमने उस पूरे दिन को खर्च कर दिया है इज देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू जब दिन भर का काम बीत जाता है हम अपने घरों में पहुंचते हैं तो हम उन दिन भर के बारे में आपस में फैमिली में डिस्कस करते हैं तो क्या कोई ऐसा होगा अटर यानी बोले एक काइंडली वर्ड कि तुम्हारे को याद करते हुए एक अच्छा वर्ड तुम्हारे बारे में एक अच्छी लाइन एक अच्छा अक्षर तुम्हारे बारे में बोले क्या तुमने ऐसा आज के पूरे दिन में कुछ किया है तो ये हुई चार लाइनों का मतलब पहले हम इसके अभी फिगर ऑफ स्पीच देख देते हैं इज एनीबडी है बिकॉज यू पास हिज वे यहाँ क्वेश्चन मार्क है मतलब इट इज़ अ इंटेरोगेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि क्वेश्चन इज आज हियर डज एनीबडी रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे यहाँ पे भी पीछे क्वेश्चन मार्क है सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरोगेशन टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स ट्वाइलिंग टाइम यहाँ पे द टी वर्ड इज रिपीटेड हैंस ट्वाइलिंग टाइम थ्रू तीनों में टी वर्ड है टी साउंड रिपीट हो रहा है एंड इट इज अ टाइप ऑफ एलिट्रिएशन इज देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू क्वेश्चन मार्क है सो इट इज़ अ इंटरोगेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच नाउ हम नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव करते हैं डिड यू गिव अ चेयरफुल ग्रीटिंग क्या तुम किसी को बहुत खुशी खुशी विश कर रहे हो ग्रीट कर रहे हो जैसे हमारे यहाँ कोई आता है हम उसे बोलते हैं आइए आइए बैठिए ग्रीट करते हैं हम उसको उनको वेलकम करते हैं तो क्या तुमने किसी को बहुत खुशी से ग्रीट किया है टू द फ्रेंड हु केम अलोंग जो एक फ्रेंड यहाँ पे जो फ्रेंड वर्ड है इसका मतलब सिर्फ फ्रेंड नहीं है कोई भी इंसान जो तुम्हारे से जो टकराया है तुम्हारे दिन भर के कामों में तुमसे मिला है क्या तुमने किसी को भी चेयरफुल ग्रीट किया है तुमने किसी को भी चेयरफुली खुश हो के बहुत वेलकम दिया है अगर तुम किसी से मिलते हो और अगर तुम उनसे हार्श वर्ड्स बात करते हो तो उससे दुख पहुंचता है अगर तुम किसी को चेयरफुली ग्रीट करते हो तो तुम्हारे भी चेहरे पे खुशी आती है और दूसरे इंसान को भी खुशी मिलती है आर अ चरलिश सॉर्ट ऑफ हॉडी एंड देन वनिश इन द थ्रोम आगे वो बोल रहे हैं कि या फिर तुमने जो दिन है क्या तुमने किसी फ्रेंड को बहुत खुशी खुशी वेलकम किया या फिर चर्लिश का मतलब होता है रूडली बिहेवियर किया तुमने हाउडी का मतलब होता है एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग यानी अगर तुमने रूडली उससे खराब बिहेवियर नहीं किया तो इस तरीके से बिहेवियर किया एज इफ तुम्हारे लिए वो है या नहीं है आओ आओ एक सिंपल सा बोला वर्ड तुमने एंड देन वैनिश यानी खत्म हो जाना इन द थ्रोंग यानी भीड़ में मैंने कुछ देर उससे जैसा तैसा बात करके तुम क्राउड में गायब हो गए और सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे जो तुम्हें मिला है उसको तुमने खुशी तक देने की कोशिश नहीं की वर यू सेल्फिश प्योर क्या तुम पूरी तरीके से मतलब हो एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे और सिंपली तुमने उन सब को बातों को छोड़ के अपने रास्ते पर चल दिए और अपने ही काम के बारे में सोचते रहे और इस समवन माइटी ग्रेटफुल for अ डीड यू डिड टुडे या फिर तुमने आज के दिन में किसी की कुछ भी मदद की हो और वो तुम्हारे लिए शुक्रगुजार हो तुम्हारी उस मदद के लिए फॉर अ डीड यानी वो मदद के लिए दैट यू डिड टुडे या फिर तुमने किसी आज के दिन में किसी के जो भी तुम मदद कर सकते हो उसके लिए दूसरे इंसान जो है वो तुम्हारे लिए शुक्रगुजार है कि तुम्हारे जैसा इंसान मिला और उसने तुमने उसकी मदद की ना इन चार लाइन का भी हम फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं डिड यू गिव अ चेयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग क्वेश्चन मार्क है तो ये इंट्रोगेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच नो सेकेंड और चर्लिश सॉट ऑफ हाउ डी एंड देन वैनिश इन द थ्रोंग क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेशन टाइप हुआ और यहाँ पे देन में भी टी है थ्रोंग में भी टी है टी वर्ड इज रिपीटेड हैंड्स इट इज अ एलिड्रेशन टाइप ऑल्सो नॉ नेक्स्ट लाइन वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिम्पल एज यू रज्ड अलॉन्ग द वे जो टाइप है इसमें है इन्वर्शन टाइप इन्वर्शन में क्या होता है द वर्ड्स आर नॉट इन अ करेक्ट ऑर्डर तो यहाँ पर किस तरीके से वर्ड्स होने चाहिए वार यू प्योर सेल्फिश एंड सिम्पल एज यू रेस्ट अलोंग द वे इस तरीके के सेंटेंस रहेगा यानी जो प्योर है वो सेल्फिश के पहले जाएगा तो इट इज अ टाइप ऑफ इन्वर्शन नो और इस समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ अडीट यू डिड टुडे ये भी क्वेश्चन मार्क है हज इंट्रोगेशन ना विल मूव टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट स्लीपिंग फास्ट क्या ये तुम बोल पाओगे आज इन पार्टिंग यानी ये जो दिन जा रहा है पार्टिंग यानी जो अब दिन बीत रहा है हमसे बिछड़ रहा है उसको बोलते हैं पार्टिंग पार्टिंग टू मूव अवे ये जो डे जा रहा है जो एकदम हमारी आंखों के सामने से स्लिप हो रहा है फास्ट मूव हो रहा है क्या आज इस रात पे तुम बोल पाओगे दैट यू हेल्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास्ट आज जो दिन भर बहुत सारे लोग तुम्हारे से मिले उसमें से किसी एक सिंगल इंसान की तुमने मदद की ब्रदर एंड सिस्टर्स इस दुनिया के सभी लोगों के लिए ब्रदर सिस्टर वर्ड्स यूज किए जाते हैं ब्रदर मतलब भाई नहीं ब्रदर मतलब कोई भी इंसान जिस भी इंसान से आज तुम दिन भर में मिले हो उस ब्रदर से किसी से भी किसी की भी तुमने क्या दिन भर में मदद की क्या आज रात को घर जाके जब तुम दिन भर की अपनी एक्टिविटीज सोचोगे तो क्या एक एक इंसिडेंस या एक काम ऐसा मिलेगा जो तुमने अपने लिए ना करके किसी और के लिए किया हो इज अ सिंगल हार्ट rejoicing ओवर द वॉट यू डिड आर सेड एक कोई दिल दुनिया में तुम्हारी बात पे खुश हो रहा हो क्या ऐसा वॉट यू डिड जो तुमने किया है ऐसा सोच के या बोल के पूरे दिन में कोई एक एक सिंगल हार्ट मीन्स सिंगल ह्यूमन बींग खुश हो रहा हो तुम्हारी एक्टिविटी पे डज अ मैन हुज़ होप्स फर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड क्या तुम किसी एक ऐसे इंसान के काम आए हो जिसको जो होप्स हैं जो पूरी तरीके से निराश हो चुका हो उसकी पूरी होप्स जिंदगी के बारे में या किसी भी काम के बारे में उसने अपनी पूरी होप्स छोड़ दी हो और तुमने उसे हिम्मत दी हो या तुमने उसकी इतनी मदद की हो कि आज उसमें हिम्मत आ चुकी हो आगे बढ़ने की क्या तुमने ऐसा दिन भर में एक भी काम किया है ना इन चारों जो लाइन्स हैं हम उसका फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं कैन यू सी टू नाइट एंड पार्टिंग विद द डेज दैट इज स्लीपिंग फास्ट इसमें कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास्ट इंट्रोगेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज अ सिंगल हार्ट रीजिंग ओवर वॉट यू डिड आर सेट ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें हमारे दो फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं एक पर्सोनिफिकेशन हार्ट रिचॉइजिंग तो जो हार्ट होता है हार्ट इस स्टैंड फॉर अ ह्यूमन बींग हार्ट वर्ड हम ह्यूमन बींग के लिए यूज कर रहे हैं हार्ट इज अ बॉडी पार्ट बट वी आर यूजिंग रिज्वाइजिंग वर्ड फॉर द हार्ट दैट मीन्स इट्स अ पर्सोनिफिकेशन हम एक हार्ट को ह्यूमन मान रहे हैं और जो हार्ट यानि ह्यूमन है वो खुश हो रहा है दूसरा इसमें जो आता है दैट इज सैनिक दैट इज एस वाई एन ई सी डी ओ सी एच ई ये टाइप का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो रेयरली यूज़ किया जाता है तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज एस वाई एन ई सी डी ओ सी एच ई इसका मतलब क्या होता है जो सिंगल वर्ड हार्ट है वो रिप्रेजेंट्स कर रहा है एनी ह्यूमन एक हार्ट वर्ड इज नॉट हार्ड ओनली बट इट इज रिप्रेजेंटेड इन द एनी टाइप ऑफ द ह्यूमन एनी ह्यूमन जब इस टाइप में सेंटेंस रहता है तो ये वाला फिगर ऑफ स्पीच होता है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पेपर में कई बार पूछा जाता है डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड इसमें तो क्वेश्चन मार्क है तो सबसे पहले इंट्रोगेशन बिकॉज क्वेश्चन इज बींग आस्ड सेकेंड आता है इसमें एंटी थीसिस का मतलब क्या होता है एंटी का मतलब होता है दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ यूज़ करना जैसे यहाँ पे जो फेड है फेड यानी होप्स का चले जाना और करेज है यानी हिम्मत आ जाना यानी हिम्मत चले जाना करेज मतलब हिम्मत आ जाना जब ऐसे एग्जैक्टली अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं तो दैट इज एंटी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच तो इसमें हम लिखेंगे द फेड एंड करेज आर कंट्राडिक्ट्री वर्ड्स एंडहेंस इट इज एंटी ये दोस्त में हमारे फिगर ऑफ स्पीच आएंगे लास्ट पैराग्राफ डिड it? It well यू वेस्ट दूस इट वेस्ट ही पोएट के हिसाब से अगर हम सारे दिन में किसी के काम नहीं आते तो हम सिर्फ अपने ही काम करते रह जाते हैं तो उसको वेस्टफुल डे बोलेंगे वो दिन किसी काम का नहीं है और लूज इट तुमने खो दिया आज का दिन तुम इतना भी ना कर पाए कि सारे दिन में एक की मदद करो और वॉज इट वेल या फिर तुम्हारा आज का दिन अच्छा बीता है आर सोरली स्पेंड सोरली वर्ड का मतलब होता है वेरी मच या सीरियसली जो दिन बीता है यानी तुमने पूरा दिन सीरियसली बिताया है दिन भर तुमने अगर हम सोरली बोलेंगे तो बुरा भी बोल सकते हैं यानी क्या तुमने दिन वेस्ट किया क्या तुम तुमने लूज कर दिया क्या तुमने दिन अच्छा बिताया या तुमने अपना दिन सीरियसली बुरा एकदम सैडली बिताया है ये पोएट हमसे पूछ रहे हैं डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस आर अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट अब पोएट नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि आज क्या तुमने दिन भर में जो रास्ता बनाया है या अपने जिंदगी का जो रास्ता जो गुजारा है ट्रेल मीन्स अ पाथ अ वे ऑफ काइंडनेस तुमने एक अगर अच्छाई की शुरुआत की है तुमने इस लोगों से भला किया है आज ट्रेल ऑफ काइंडनेस का मतलब होता है जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो इंसान भी आगे जाके किसी और का अच्छा ही करता है तो वो एक रास्ता बन जाता है अच्छाई का तो पोट पूछ रहे हैं कि क्या तुमने किसी का भला करके आज एक ट्रेल ऑफ काइंडनेस प्रोड्यूस किया है और इसकार, इसकार का मतलब होता है खरोच तकलीफ दुख ऑफ डिसकंटेंट यानी दूसरे को तुमने इतना दुख पहुंचाया है कि वो अनसेटिस्फाइड हो गया है डिसकंटेंट कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड डिसकंटेंट मतलब अनसेटिस्फाइड दुखी हो गया है अनसेटिस्फाई हो गया है और वैसा ही वो दुख आगे भी लोगों को बांट रहा है एज यू क्लोज यूर आईज इन स्लम्बर एज यू क्लोज यूर आइज एंड स्लंबर डू यू थिंक दैट द गॉड वुड से एज़ यू क्लोज योर आइज़ का मतलब होता है गहरी नींद में सो जाना यहाँ पे पोएट ने डेथ वर्ड को न के हुए स्लम्बर वर्ड बोला है स्लम्बर मीन्स गहरी नींद में सोना जिस इंसान ने यह जन्म लिया है उसे एक न एक दिन उस गहरी नींद में सोना ही है और भगवान से मिलना है तो पोएट बोल रहे हैं कि जिस दिन तुम अपनी आँखें बंद करोगे गहरी नींद के लिए तो क्या तुमको लगता है कि भगवान तुमसे कहेंगे क्या कहेंगे भगवान तुम्हें भगवान कहेंगे कि तुमने यू हैव अर्नड वन मोर टूमोरो बाय द वर्क यू डिड टुडे तुमने एक भगवान कहेंगे तुमसे कि तुमने एक और दिन कमा लिया है खुद के लिए उस काम से जो तुमने आज किया है यानी तुमने अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट बनाया है अपने अच्छे कर्मों से क्या ये भगवान तुम्हें कहेंगे अब ये चार लाइन का भी हम देख लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच फर्स्ट डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट वॉज इट वेल और सॉरली स्पेंट ये क्लियर हो गया कि ये जो है दिस इज इंट्रोगेशन क्योंकि क्वेश्चन मार्क है सेकेंड यहाँ पे देख लो वेल well, यानी अच्छा सोर्ली मतलब बुरा तकलीफ भरा ये दो वर्ड्स एकदम अपोजिट या कंट्राडिक्ट्री वर्ड्स हैं हैंस जब वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग एक सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तब उसे एंटीथीसिस टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है नेक्स्ट अच्छे से देखो यहाँ पे एस सोरली में भी है एस स्पेंट में भी है द साउंड एस इज रिपीटेड हियर हैंस इट इज़ अ टाइप ऑफ एलिट्रिएशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच नेक्स्ट डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अस्कार ऑफ डिसकनटेंट तुम यहाँ पर समझ सकते हो काइंडनेस यानि भला करना डिस्कटेंट यानी अशांत रहना अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हैं काइंडनेस और डिस्कटेंट दोनों के मीनिंग अपोजिट हैं हैंड्स इट इज़ अ एंटीथिस टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच और क्वेश्चन मार्क है हैंड्स इट इज़ अ इंट्रोगेशन टाइप एज यू क्लोज यूर आइज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट द गॉड वुड से इसमें नहीं है कोई फिगर ऑफ स्पीच यू हैव अर्न वन मोर टमोोरो द वर्क यू डिड टूडे तो इसमें जो रहेगा दैट इज़ इंट्रोगेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ़ स्पीच एंड दिस पोएम इज़ रिटर्न बाई एडगर गेस्ट इसका वर्डली मीनिंग तो यही है कि क्या तुमने अपना कल कमाया पर एक्चुअल मीनिंग जो अगर हम बोलेंगे तो वो ये है कि हमको इतने अच्छे कर्म करने चाहिए कि हमारे कर्मों की वजह से दूसरों का भविष्य तो सुधरे ही सुधरे हम नारे को भगवान भी हमारा अच्छा फ्यूचर हमको दे क्योंकि आज जो हम काम काम करते हैं कर्म करते हैं उसी का फल हमको आगे मिलता है